नमस्कार, वेलकम बैक टू एनके मिश्रा क्लासेस एंड एनके टेक स्किल्स। तो जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में चैप्टर टू विलयन केमिस्ट्री क्लास 12 पहले के वीडियोस में हम वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन, परासरण, प्रतिलोम परासरण व परासरण दाब के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के जो आखिरी टॉपिक है दैट इज असमान्य मोलर द्रव्यमान व वान थाप गुणांक, इन चीज़ों को देखेंगे कि असामान्य मोलर द्रव्यमान वो वान थाप गुणांक क्या होता है। तो अगर बात की जाती है असामान्य मोलर द्रव्यमान वो वान थाप गुणांक की, तो आइए देखते हैं इसको। असामान्य मोलर द्रव्यमान समान रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि अगर हम किसी विलयन की कल्पना करें, यदि कोई हमारा एक विलयन है, अगर किसी विलयन में अगर हम किसी विलेय को घोलें, या विलयन या विलायक में किसी विलेय को घोलते हैं, तो विलेय के कितने मोल उस विलयन में या विलायक में घुले हुए हैं, तो उस प्रकार से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। क्या ये तो देखते हैं सबसे पहले कि जैसे कि हमने लिया है KCl दैट इज पोटेशियम क्लोराइड 34.5 ग्राम। तो यहाँ पे एक चीज़ हम पहले जानते हैं, जो हमने मोलरता सीखा था, किसी भी अणु परमाणु का जितना मोलर द्रव्यमान होता है उतनी मात्रा ग्राम में लेने पर उसमें एक मोल अणु परमाणु या आयन होते हैं। तो यहाँ पे KCl का मोलर द्रव्यमान 74.5 ग्राम, क्योंकि KCl के पोटेशियम का मोलर द्रव्यमान 39 होता है और क्लोरीन का 35.5, इसलिए KCl के 74.5 ग्राम में एक मोल KCl अणु हो गए। तो KCl के 74.5 ग्राम को हमने जल में घोला, तो अर्थात हमने KCl के एक मोल को जल में घोला। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान KCl का 74.5 ग्राम जो जल में घोला गया, तो ये एक मोल अणु है, राइट। तब एक मोल अणु को जब हमने जल में घोला, तो क्योंकि हम जानते हैं KCl एक आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक जल में घुलने पर धन आयनों और ऋण आयनों टूटते हैं, अर्थात जल में घुलने के बाद एक मोल के धन आयन होगा और एक मोल क्लोरीन ऋण आयन होगा। इस प्रकार जल में दो मोल हो जाएंगे, दो मोल के धन आयन और Cl ऋण आयन, कणों का योग, मीन एक मोल के धन आयन और एक मोल Cl ऋण आयन। तो यहाँ पे जल में कुल दो मोल कण प्राप्त होंगे। अतः अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम देखें कि जल के एक मोल कणों का मोलर द्रव्यमान है, उनकी मात्रा क्या होगी, क्योंकि अब कुल 74.5 ग्राम जल में दो मोल हो गए, तो एक मोल का द्रव्यमान क्या होगा, एक मोल कण का द्रव्यमान होगा 74.5/2, राइट, या इसे हम कह सकते हैं दैट इज 37.25। तो यहाँ पे हमने देखा कि घोलने के उपरांत जो मोलों का थ्योरी आई, जो हमारी प्रायोगिक निष्कर्ष होता है कि मोल कितने होंगे, तो वहाँ पे जल में जो मोल का द्रव्यमान आया वो 37.25 आया, और वास्तविक द्रव्यमान हमारा कितना था, 74.5 ग्राम। अर्थात यहाँ पे यह सिद्ध हो रहा है कि जो जल में एक मोल अणु है उनका द्रव्यमान होता है 37.25, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने KCl के 74.5 ग्राम मात्रा KCl को जल में घोला था, यह इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान था। लेकिन घोलने के बाद जो हमने प्रयोग किया, जो निष्कर्ष निकाला, तो वहाँ पे सामान्य मोलर द्रव्यमान नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त हुआ। इसी थ्योरी को कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान, कि वास्तव में जो हमारा प्रेक्षित मान होता है और परिकलित मान, दोनों में भिन्नताएँ होती हैं। परिकलित मान प्रेक्षित मान से हमेशा कम होता है। जो हमारा प्रेक्षित मान, जैसे हमने 75 ग्राम या 34.5 ग्राम KCl को घोला, ये हमारा क्या था, प्रेक्षित मान था, क्योंकि हमने इसे वास्तविकता रूप में घोला, और परिकलन में यह क्या प्राप्त हुआ हमारा 37.25, कि परिकलन करने के दौरान हमने देखा कि जल में सिर्फ 37.25 ग्राम है, तो डिफरेंस हुआ। इस डिफरेंस को ही कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो परिकलित मान होगा वो प्रेक्षित मान से हमेशा कम होगा, और इस चीज़ को वान थाप ने एक सिद्धांत दिया जिसे वान थाप गुणांक से नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वान थाप ने इन चीज़ों को देखा और पाया कि वास्तव में जो हमारा परिकलित मान है वो प्रेक्षित मान से कम होता है, और इस थ्योरी को ही हम वान थाप गुणांक कहते हैं। जहाँ पर वान थाप गुणांक या इसका खोज या इसका प्रतिपादन वान थाप ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया, दैट इज वान थाप। इसका सिंबल आई से प्रिंट करते हैं, तो वान थाप गुणांक आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान अपान असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान जो हम कह सकते हैं कि प्रेक्षित किया गया, जैसे कि हमने यहाँ पे जल में 74.5 ग्राम KCl को जल में घोला था, तो यह KCl का सामान्य मोलर द्रव्यमान था, और असामान्य मोलर द्रव्यमान कि परिकलन के दौरान जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए,
जैसे अब हमने देखा कि 74.5 ग्राम KCl को घोला और जल में घोलने के बाद परिक्रमण करने पर 37.25 प्राप्त हो रहा है, तो असमर्मल द्रव्यमान हुआ। या इसे इस प्रकार भी हम कह सकते हैं, आई या वान था गुणांक बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुण अपान परिकलित अणुसंख्य गुण। एग्जाम्पल इसे फिर से देखते हैं, जैसे अगर हमने KCl या पोटेशियम क्लोराइड के 1 मोल को जल में घोला था, तो पोटेशियम का हमारा द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान दैट इज 39 और क्लोरीन का होता है 35.5, ये मिलके बनते हैं 74.5, ये प्रेक्षित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम जल में 74.5 ग्राम KCl को घोलेंगे तो उस विलयन में 1 मोल KCl अणु होंगे। परंतु अब घोलने के बाद KCl हमारा धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है, जिससे कुल जो कणों की संख्या जल में कितनी प्राप्त हुई, 2 मोल, 1 मोल K धनायन और 1 मोल Cl ऋणायन। तो अर्थात अगर हम इसका आधा कर दें कि 1 मोल कण जो होंगे वो हमारे 1 मोल KCl बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम 1 मोल कण ले लेंगे तो 1 मोल कण का मोलर द्रव्यमान आ रहा है हमारा 37.25, जो कि वास्तव में प्रेक्षित द्रव्यमान से कम है, और इसी चीज को असामान्य मोलर द्रव्यमान और वान था गुणांक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए जैसे देख लेते हैं, तो अगर KCl का हमारा प्रेक्षित 34.5 था और परिकलित आया 37.25, क्योंकि जल में कुल मोलों की संख्या हमारी कितनी है, 2, और यहाँ पे ये है 74.5 हमारा क्या है, वास्तविक प्रेक्षित, तो ये 37.25 हमारा परिकलित मान आया। तो वान था गुणांक कितना हो जाएगा, 74.5 अपान 37.25 इक्वल टू 2। तो यह हमारा कहता है कि जो वास्तविक हमारा प्रेक्षित मान होता है वो सदैव ज़्यादा होता है और परिकलित मान कम होता है, और इस थ्योरी को ही वान था गुणांक या असमान मोलर द्रव्यमान का नियम कहा जाता है। ओके, तो वंस अगेन वापस लेते हैं इन चीजों को, तो देखते हैं क्या है कि अगर हमने देखा कि असमान मोलर द्रव्यमान हुआ वान था गुणांक, तो असमान मोलर द्रव्यमान यह थ्योरी है कि कहता है कि अगर हम किसी वास्तविक विलयन की बात करें तो अगर उसमें कोई हमने प्रेक्षित द्रव्यमान जो डाला है वह परिकलित द्रव्यमान से सदैव ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे हमने देखा कि हमने पोटेशियम क्लोराइड की 74.5 ग्राम मात्रा को एक जल में घोला था, ये हमारा प्रेक्षित द्रव्यमान था जो 1 मोल है, लेकिन परिकलन करने के दौरान यह प्राप्त होता है 37.25। परिकलित द्रव्यमान प्रेक्षित द्रव्यमान से हमेशा कम होता है, ऐसा इसलिए कि जब भी कोई हम विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय समानांतर धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है। इस कारण विलेय के कुल जो मोल होते हैं विलयन में जाने पर वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो धनायनों ऋणायनों में टूट जाते हैं, और इस गुण को ही हम असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तथा इसके लिए वान थॉप ने थ्योरी दिया था, आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान अपान असमान मोलर द्रव्यमान। जैसे कि जब KCl का सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना है, 34.5 ग्राम, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान होता है 39, क्लोरीन का 35.5, तो ये आया 74.5 ग्राम। या इसे आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अगर हम 74.5 ग्राम KCl को जल में घोलेंगे तो उसमें कुल 1 मोल KCl अणु होंगे, परंतु जल में घोलने के बाद के धनायन और क्लोरीन ऋणायन अलग अलग टूट जाते हैं, तो जल में कुल मोलों की संख्या 2 मोल हो गई। वास्तव में हमने सिर्फ 1 मोल अणुओं को घोला, पर जल में मोलों की संख्या क्या हो गई, 2 मोल हो गई, डबल। हाँ, एग्जैक्टली डबल नहीं हो रही, वहाँ पे कुछ अन्य बल होते हैं, पर हम समान रूप से मानेंगे कि संख्या क्या हुई, यहाँ पे डबल हो गई। तो वास्तविक में हमारा क्या हुआ कि जो परिकलित द्रव्यमान हो गया वो कम हो गया और प्रेक्षित द्रव्यमान ज़्यादा हो गए। इस थ्योरी को ही कहा जाता है असमान मोलर द्रव्यमान व वान था गुणांक। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क मी, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, तथा कीप वॉचिंग, हमारे आगे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर बजाएं। नमस्कार।